हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अपना इंश्योरेंस वाला। आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। सबसे पहला सवाल है, आपके कितने बच्चे हैं? मान लेते हैं कि आपके 2 बच्चे हैं। प्रत्येक बच्चे पर आप हर महीने कितना पैसा खर्च करते हैं, उनकी पढ़ाई पे, उनके ट्यूशन पे, खाने पे, कपड़ों पे? चलिए मान लेते हैं कि एक बच्चे पर लगभग 8,000 रुपये का खर्चा होता है। अगर आपके सबसे छोटे बच्चे की जगह जुड़वा बच्चे होते, या क्या आप उस तीसरे बच्चे को भी पालते? आपका जवाब हाँ ही होगा। क्या आप अपने तीसरे बच्चे पर भी उतना ही खर्चा करेंगे जितना पहले 2 बच्चों पर किया है? मुझे लगता है इसका जवाब भी हाँ ही होगा। आज आप अपने बच्चे का पूरा खर्च उठा रहे हैं, क्या आप गारंटी से कह सकते हैं कि बुढ़ापे में आपके बच्चे भी आपका खर्च उठाएंगे? यह उत्तर हाँ भी हो सकता है, नहीं भी, क्योंकि ये आने वाले फ्यूचर पर निर्भर करता है कि आपके बच्चों की इनकम जॉब पर निर्भर करता है। और अगर उत्तर ना होता है तो आपका बुढ़ापा कैसे कटेगा? यहाँ मैं आपको रेमंड कंपनी के मालिक विजय पद सिंगानिया का उदाहरण देना चाहती हूँ। करोड़ों के मालिक आज अपने बेटे ने घर से निकाल दिया और वह किराए के घर में रहते हैं। अब इस समस्या का सॉल्यूशन क्या है? अगर आप उस जुड़वे बच्चे के खर्च के बराबर की बचत कर लें सिर्फ 15 साल, तो जीवन भर आपको वही मासिक खर्च मिलता रहेगा और परिवार को 1 करोड़ से भी ज़्यादा मिलेगा। पिता के ना रहने पर क्या एक दिन का बच्चा परिवार का खर्च चला सकता है? नहीं। पर LIC पॉलिसी यानी आपका तीसरा बच्चा पहले दिन से ही पूरे परिवार का खर्च चलाने में समर्थ है। देखिए, आपको जमा करने हैं सिर्फ 8,000 रुपये हर महीने सिर्फ 15 साल तक, और आप जीवन भर पाएंगे 8,000 रुपये हर महीना और परिवार को मिलेंगे 1 करोड़ से भी ज़्यादा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।